का समंदर है, दूसरी तरफ लोगों का समंदर है। फुटबॉल को भी पीछे छोड़ दिया। अर्जेंटीना जब जीती थी फुटबॉल का टाइटल, जब वो अपने मुल्क के अंदर गए थे, मैंने तब देखे थे इतने सारे लोग सड़कों पे निकले हुए। और आज जब इंडियन टीम अपने मुल्क के अंदर वापस गई है, ट्रॉफी परेड, और जिस तरह से मैंने लोगों को देखा है, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या मिल सकती है। आप टिकट लेते हैं मैच की, अपने फैंस अपने जो कहते हैं ना स्टार्स को देखने के लिए आप पैसे खर्च करते हैं, यहां पे स्टार्स खुद आपके पास चल कर आ रहे हैं और आप उनको और ज्यादा करीब से देख सकते हैं। और क्यों ना यार, 10 साल बाद इंडिया एक मतलब आईसीसी टाइटल जीता है, एंड दे वेटेड अ लॉन्ग टाइम फॉर दिस टू कम, यू नो, बिकॉज दे केम क्लोज टू मतलब लाइक टू द नॉकआउट स्टेजेस एंड ऑल ऑफ आईसीसी इवेंट्स, बट दे कुडंट विन इट। लास्ट ईयर दे वन द एशिया कप, बट दे जस्ट कुडंट लाइक लास्ट ईयर जब वर्ल्ड कप हुआ, एशिया कप जीतने के बाद वर्ल्ड कप जो 50 ओवर्स का था उसमें फाइनल में हार गए थे ऑस्ट्रेलिया से, इंडिया हार गया था। सो दे वर सो क्लोज एंड येट दे कुडंट मेक इट। सो दैट इज वाई दिस वर्ल्ड T20 कप विक्ट्री सो important, and I think it's also very important, it also holds the emotional value for the people, for cricket fans, because like they know that it's the end of an era, at least in T20 cricket for Indian cricket, kyunki Rohit, Virat Kohli, Jadeja, teenon ne retirement apni announce kar di hai T20 format se, to like it's going to be the start of a new, what you call it, chapter in Indian cricket history. Aur jis tarah se wo India ki victory ko enjoy kar rahe hain, jis tarah se wo bus chalti chalati wo Khede stadium jo hai pahunchi hai, क्या ही बात है यार। आज इंडियन फैंस के लिए बहुत ही बड़ा दिन है। मैं कह रहा हूँ कि उनकी सेलिब्रेशंस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। दूसरी तरफ हमारे यहाँ कभी सर्जरी, कभी पता नहीं क्या, कभी क्या चल रहा है, अजीबो गरीब चल रहा है। दाऊद साहब, फैंस निकल आए रोडों पे। नहीं, तारीखी, मैंने इतने ज्यादा लोग, आपने बात की 2011 में भी हुआ, 2006-07 का वर्ल्ड कप भी इंडिया जीता, वो भी हुआ। जाहिर है लाइव तो हमने नहीं देखा, हमने विजुअल्स में ही देखा, लेकिन जो मैंने आज देखा अली, जिस तरह से विक्ट्री परेड इंडिया की हुई है, मैंने तारीख में कभी इतना क्राउड नहीं देखा, इतना क्राउड। और फिर जो सबसे मजे की चीज थी वो ये थी कि जिस तरीके से विराट कोहली, हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा ने ग्राउंड का जब चक्कर लगा रहे थे, इनका पीछे वो नेशनल सॉन्ग चल रहा था, जिस तरीके से ये भंगड़े डाल रहे थे, नाच रहे थे, इन्होंने क्राउड को सही इंटरटेन किया है। इन्होंने क्राउड का पैसा तो खैर उनका लगा ही नहीं था, इन्होंने क्राउड का दिल खुश किया और अपनी जिसको कहते हैं ना बताई है कि हम आप लोग के लिए ट्रॉफी जीत कर आए, हम अपने लिए नहीं, हम आप लोग के लिए जीत कर आए हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। हर एक के चेहरे पे खुशी बता रही थी कि ये ट्रॉफी का कितना वेट कर रहे थे। 10 साल की जो विक्ट्री थी ना, 10 साल बाद जो विक्ट्री आई है, सही मायनों में पता चल रही थी कि विक्ट्री मैटर करती होती है। अगर ये 1-2 साल के बाद इंडिया हर दफा वर्ल्ड कप जीत रहा था तो ऐसी हाइप ना होती, उनको भी होता चलो दे तो हमारी आदत हो गई जीतने, क्योंकि ये 10 साल बाद जीते हैं इसलिए सब कुछ देखने को मिला। तो अगेन कहूंगा ऑस्ट्रेलियन टीम सीखो कुछ, ये मतलब वो कहावत सही फिट होती है, लेकिन आई मीन द पीपल रियली शोड देयर हैप्पीनेस, दे लव, दे जॉय। और क्यों ना यार, 10 साल बाद इंडिया एक मतलब आईसीसी टाइटल जीता है, एंड दे वेटेड अ लॉन्ग टाइम फॉर दिस टू कम, यू नो, बिकॉज दे केम क्लोज टू मतलब लाइक टू द नॉकआउट स्टेजेस एंड ऑल ऑफ आईसीसी इवेंट्स, बट दे कुडंट विन इट। लास्ट ईयर दे वन द एशिया कप, बट दे जस्ट कुडंट लाइक लास्ट ईयर जब वर्ल्ड कप हुआ, एशिया कप जीतने के बाद वर्ल्ड कप जो 50 ओवर्स का था उसमें फाइनल में हार गए थे ऑस्ट्रेलिया से, इंडिया हार गया था। सो दे वर सो क्लोज एंड येट they couldn't make it. So that is why this World T20 Cup victory is so important. And I think it's also very important. It also holds the emotional value for the people, for cricket fans, because like they know that it's the end of an era, at least in T20 cricket for Indian cricket. Because Rohit, Virat Kohli, Jadeja, teenon ne retirement apni announce kar di hai T20 format se. So like it's going to be the start of a new, what you call it, chapter in Indian cricket history as far as T20 format. Abhi to hi khelenge teenon jo hai other formats in test 10-50 overs, lekin that is why I think also the people came out. Millions ki tadad mein fans jo hai wo roadon par maujood hain, aur jis tarah se wo India ki victory ko enjoy kar rahe hain, jis tarah se wo bus chalti chalati wo Khede stadium jo hai pahunchi hai, kya hi baat hai yaar. Aaj Indian fans ke liye bahut hi bada din hai. Main keh raha hu ki unki celebrations khatam hone ka naam hi nahi le rahi. Dusri taraf hamare yahan kabhi surgery, kabhi pata nahi kya, kabhi kya chal raha hai, अजीबो गरीब चल रहा है। दाऊद साहब, फैंस निकल आए रोडों पे। नहीं, तारीखी, मैंने इतने ज्यादा लोग, आपने बात की 2011 में भी हुआ, 2006-07 का वर्ल्ड कप भी इंडिया जीता, वो भी हुआ। जाहिर है लाइव तो हमने नहीं देखा, हमने विजुअल्स में ही देखा, लेकिन जो मैंने आज देखा अली, जिस तरह से विक्ट्री परेड इंडिया की हुई है, मैंने तारीख में कभी इतना क्राउड नहीं देखा, इतना क्राउड।
अनबिलीवेबल क्राउड था, जिस तरह से आवाम निकली उन्होंने बता दिया कि भाई हमारे लिए ये क्या मायने रखता, क्या मैटर करता है। शायद से उन्होंने ये भी बता दिया कि ये जीत हमारे लिए क्या अहमियत है, और ऐसी जीतें नस्लों तक आपको एक मोटिवेशन देती है। हर गली गली में एक क्रिकेटर निकलेगा, बच्चा बल्ला उठा के निकलेगा कि भाई मैंने रोहित शर्मा की तरह टीम को जितवाना है। हर बच्चा निकलेगा कि मैंने विराट कोहली की तरह इंडिया को लीड करना है। गली गली से निकलेगा कि हार्दिक पांड्या की तरह मैंने दुनिया का नंबर वन ऑलराउंडर बनना है। हर जगह से निकलेगा कि बुमराह ने जो कर दिखाया इंडिया की तारीख में, मैंने वो बनना है। हर गली से निकलेगा कि मैंने ऑलराउंडर अक्षर पटेल की तरह बनना है। हर जगह से निकलेगा कि भाई मैंने वो बनना है जो करके दिखाया अर्शदीप सिंह ने। बिल्कुल, मैं वो कैच पकड़ के दिखाऊंगा, मैं बेस्ट फील्डर इंडिया का बनूंगा जैसे सूर्य कुमार यादव ने अनहोनी करके दिखा दी। तो होगी लोग, एक तरफ मुंबई का समंदर है, दूसरी तरफ लोगों का समंदर है। फुटबॉल को भी पीछे छोड़ दिया। अर्जेंटीना जब जीती थी फुटबॉल का टाइटल, जब वो अपने मुल्क के अंदर गए थे, मैंने तब देखे थे इतने सारे लोग सड़कों पे निकले हुए। और आज जब इंडियन टीम अपने मुल्क के अंदर वापिस गई है, ट्रॉफी परेड, और जिस तरह से मैंने लोगों को देखा है, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या मिल सकती है। आप टिकट लेते हैं मैच की, अपने फैंस अपने जो कहते हैं ना स्टार्स को देखने के लिए आप पैसे खर्च करते हैं, यहाँ पे स्टार्स खुद आपके पास चलकर आ रहे हैं और आप उनको और ज्यादा करीब से देख सकते हैं। इससे ज्यादा अच्छा क्या हो सकता। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि किस तरीके से भारतीय टीम ने और सभी भारतीय लोगों ने मुंबई में भारत के इस T20 वर्ल्ड कप की जीत की सेलिब्रेशन की। इस सेलिब्रेशन को देखकर पाकिस्तानी मीडिया चौंक गया और कहने लगा कि उनके हिसाब से जब अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप जीता था वो दुनिया की बेस्ट सेलिब्रेशन थी। पर कल भारत ने बता दिया कि किसी वर्ल्ड कप को जीतने के बाद सेलिब्रेशन किस तरह से की जाती है, जहां पर विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या जैसे प्लेयर्स वानखेड़े स्टेडियम में भारत का नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम गा रहे थे, और उनके साथ सैकड़ों पब्लिक जो कि स्टेडियम में बैठी थी वो भी गुनगुना रही थी। ये सब देखकर पाकिस्तानी मीडिया को जलन महसूस हुई, और उनका अभी से ही कहना है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने इस बार की जीत ली तो हम भी ऐसा ही सेलिब्रेशन करेंगे, पर जिस टीम की हालत इतनी बुरी हो वो चैंपियनशिप जीतने की कैसे बात कर सकता है। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।